HS के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 में सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जितने भी एमसीक्यू और एसएक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आया हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट बी में जितने भी सवाल थे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पहला जो सवाल है इन विच ईयर वाज वेस्ट बंगाल पंचायती एक्ट पास। 1972, 1973, 1971, 1974। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1973 में वेस्ट बंगाल पंचायती एक्ट पास हुआ था। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी और एसटी एंड ओमेन वेयर मेड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992 में, 1993 में, 1994, 1995। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1992 ईस्वी में 73rd अमेंडमेंट हुआ था और इसमें एससी और एसटी और औरतों के लिए सीट रिजर्वेशन की बात की गई थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द टेनूर ऑफ द ग्राम पंचायत इज 5 साल, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 ईयर्स ग्राम पंचायत के लिए जो मियारी है 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एग्जीक्यूटेड बाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ वाज पास इन द ईयर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ किस साल में पास किया गया था, 1985, 1986, 1987, 1988। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1986 ईस्वी में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पास हुआ था। सिक्स नंबर सवाल, द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 64 ईयर्स और 65 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है 62 ईयर्स में। सात नंबर जो सवाल है, इन द मैटर ऑफ फिनांस हु वाज बीन गिवन ग्रेटर सिग्निफिकेंस, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा या विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा। नेक्स्ट सवाल जो है, द राज्यसभा हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर 270, 250, 260, 290। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, राज्यसभा में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों की तादाद 250 है। नौ नंबर, द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या 4 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 ईयर्स। अगला सवाल, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, के आर नारायण या प्रणब मुखर्जी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 नंबर, द लीडर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या स्पीकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का।
बारह नंबर सवाल, द बुक स्प्रिट ऑफ लॉज वॉज पब्लिश इन द एयर 1748, 1749, 1750, 1789। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1748 ईस्वी में स्प्रिट ऑफ द लॉ मोंटिस्को का लिखा हुआ एक किताब है, उसको पब्लिश किया गया था 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है 13 नंबर, द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा, नेशनल पीपल कांग्रेस या सीनेट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस को कहा जाता है और अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, द सपोर्टर ऑफ बाइकैमरलिज्म इज, बाइकैमरलिज्म के सपोर्टर कौन है, जे एस मिल, हेगल या बार्कर या फिनर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जे एस मिल, द सपोर्टर ऑफ बाइकैमरलिज्म इज ए जे एस मिल। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर, द नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ नेशनल वैल्यूज, हु सेड दिस। ये जो सेंटेंस है, नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ द नेशनल वैल्यूज, ये किसने कहा था, हैंस मोर्गेंट्यू, जोसेफ फ्रेंकल या एलन बिल या मोर्टन कैपलोन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जोसेफ फ्रेंकल ने कहा था। 16 नंबर सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एमोंग नेशन। पॉलिटिक्स एमोंग नेशन ये किसकी लिखी हुई किताब है, के जी होल्स्टी, क्विंसी राइट, हैपमोन, हैंस जोरमोर्गेंटो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर सवाल, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइन इन 1648 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1648 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ था। 18 नंबर सवाल, हु प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ पंचायती समिति, प्रधान, सभापति, सभाधिपति या बीडीओ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सभाधिपति, सभापति होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्मॉल सिटीज आर मैनेज बाई, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, स्टेट गवर्नमेंट, ब्रॉड कमेटी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यूनिसिपलिटी। 20 नंबर सवाल, हाउ मेनी जज आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 31, 26, 37 या 38। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 31 है, ऑप्शन नंबर वन होगा। 21 नंबर सवाल, लोक अदालत वाज इस्टेब्लिश इन द एयर 1985, 1986, 1984, 1988। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1986 ईस्वी में लोक अदालत की बुनियाद रखी गई थी। 22, हु प्रेसिडेंट ओवर द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पीकर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इन वेस्ट बंगाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव इज, ऑप्शन नंबर ए है 294, 180, 160, 295। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका जवाब, करेक्ट आंसर। 24 नंबर जो सवाल है, हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नंबर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट सवाल, 25 नंबर जो है, द डिस्क्रिशनरी पावर इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू, प्रेसिडेंट, गवर्नर,
प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा गवर्नर। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, द मिनिमम एज क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज 35 ईयर्स, 30 ईयर्स, 37 ईयर्स, 42 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 35 ईयर्स मिनिमम एज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 27 नंबर जो सवाल है, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव इज फाउंड इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है 28 नंबर, हु सेड दैट पार्लियामेंट इज ए प्ले थिंग्स, यूएस प्रेसिडेंट विल्सन, मॉडिशन, मोसोलिनी, ब्लैक स्टोन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मिसोलिनी। 29 नंबर जो सवाल है, द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज इज, हिंद स्वराज जो है किसका लिखा हुआ किताब है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एम के गांधी, सुकार्नो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एम के गांधी का है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स बिलोंग्स टू विच थ्योरी, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, गांधीज्म, आइडियलिज्म, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 2022 में जितने भी एसएक्यू आए थे उन तमाम सवालों को अब देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और प्रीवियस ईयर से हर साल कॉमन सवाल आते रहते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व पेपर करके जाना बेहतर होता है, जिसकी वजह से आपका स्कोर बेस्ट हो सकेगा। नेक्स्ट एक नंबर जो सवाल आया था एसएक्यू में, व्हाट इज़ द ग्राम संसद, ग्राम संसद क्या है, हर ग्राम पंचायत के हलके में मौजूद तमाम वोटर्स पर मुश्तमिल अदारा जो होता है जीएस कहलाता है, यानी ग्राम संसद। दो नंबर सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट टायर ऑफ पंचायती सिस्टम इन द वेस्ट बंगाल, तो जवाब होगा जिला परिषद। तीन नंबर जो सवाल है, मेंशन एनी टू ऑब्लीगेटरी फंक्शन ऑफ म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपलिटी का ऑब्लीगेटरी फंक्शन बताइए दो ठो। एक नंबर, सड़कों और गलियों का इंतजाम करना, नकाशी का इंतजाम करना, पानी की सप्लाई करना। चार नंबर सवाल, व्हाट इज़ द हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जारी करदा राइट्स जो शहरों की आज़ादी की हिफाजत के लिए होती है, इसमें खुद मुस्लिम को अदालत में हाजिर होना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं हैबियस कॉर्पस। अगला सवाल, मेंशन एनी वन फीचर ऑफ इंडिया जुडिशियरी सिस्टम, कानून साजी, दस्तूर का मुहाफिज, बुनियादी हकूक का मुहाफिज। नेक्स्ट जो 6 नंबर सवाल है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल हैज मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, तो आर्टिकल 214 के तहत में होता है। 7 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये पार्लियामेंट का निचला और आवामी ऐवान है, इसका मेंबर वही हो सकता है जिसकी उम्र कम से कम 25 ईयर्स हो और इसकी मुद्दत 5 साल तक होती है और 545 कुल मेंबर होते हैं, इस तरह से इसकी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की होती है। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट इज़ द जीरो हावर्स, जीरो हावर्स क्या है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान जो है वक्फा सवालात के फौरन बाद 1 घंटा यानी 12 से 1 PM जिसमें आवाम की इंतहाई ज़रूरी मामले में बहस होती है, उसे हम जीरो हावर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर जो है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरियन फॉर द बिकमिंग मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा का 30 ईयर्स होना चाहिए। 10 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द एम्बॉडीज इन आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दफा 356 के तहत अगर कोई भी रियासत दस्तूर के मुताबिक काम नहीं करता है तो मरकजी हुकूमत रियासत को बराह रियासत अपने कंट्रोल में ले सकती है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है,
हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इसको अपॉइंटमेंट। बारह नंबर सवाल जो है, आइडेंटिफाई एनी वन फंक्शन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वन काम लिखने को कहा गया है। एक, तमाम वजीरों के कामों की तकसीम करना। दो, वजीरों के कामों पर नज़र रखना और इनमें तालमेल बनाए रखना। तेरह नंबर जो सवाल है, गिव एन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसका जवाब होगा, दोनों ऐवानों में कामों की तश्कीम हो जाती है और कोई ऐवान में मनमानी नहीं कर सकता। दो नंबर, आवाम की मर्जी के मुताबिक कानून बनते हैं। अगला सवाल, गिव एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। तो जवाब होगा, हुकूमत के तीनों अज़ा के अलग अलग होने से काम करने में दुश्वारी होती है और काम देर से होता है। पंद्रह नंबर सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो जवाब होगा, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट जो 16 नंबर सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जिस इंतजामिया में सारे अख्तियारात सरबराह के हाथ में होते हैं और वही सारे इंतजामात करता है, उसे हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या है, जिस इंतजामिया में बराए नाम होता है और सारे इंतजामात इसके नाम से कोई और करता है, उसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सत्रह नंबर जो सवाल है, आइडेंटिफाई एनी वन फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के दरमियान तालमेल रखना और करना। हुकूमत के प्रोग्रामों और पॉलिसियों को लागू करना। अगला सवाल, हु है डिस्क्राइब द स्टेट एज द सोयलेस मशीन। एम के गांधी इसका जवाब होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द नॉन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म किनको माना जाता है, कहा जाता है, जॉन लेक को कहा जाता है। 20 नंबर जो सवाल है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, औजार, मशीन, मजदूर और टेक्निक वगैरह पैदावार की कुवतें हैं। नेक्स्ट, हु रूट द बुक ऑफ 20 ईयर्स क्राइसिस। H.E.H. Carr ने लिखा था। अगला सवाल, आइडेंटिफाई एनी टू एलिमेंट्स ऑफ पावर, जोग्राफिया, आबादी और सनती ताकत।